इंश्योरेंस कवर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर पहला कदम है। आपको ये याद रखना है कि आप इंश्योरेंस कवर एक रिस्क कवर, एक प्रोटेक्शन कवर के तौर पर ले और ना ही एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर। आज मनी मंत्रा में हम करने वाले हैं लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत और साथ ही देंगे आपके इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब भी। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं क्या है आज ऑन द शो। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कैसे होता है, मनी मंत्रा आपको बताएगा कैसे सही इंश्योरेंस खरीदना काफी नहीं है बल्कि सही तरह की पॉलिसी को भी पढ़ना जरूरी होता है। बढ़ रही है इंश्योरेंस पॉलिसी की पोर्टिंग, जाने कैसे कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को स्विच। और आज इंश्योरेंस से लेकर निवेश तक के सवालों के जवाब देखिए मनी मंत्रा लाइव यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर, और डालिए अपने सवाल कमेंट बॉक्स में, हम देंगे आपके लाइव सवालों के जवाब। तो मनी मंत्रा में आज हम इंश्योरेंस के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ खास मेहमान भी है। स्वागत करना चाहती हूँ PolicyX.com के CEO और फाउंडर नवल गोयल का, साथ ही बजाज कैपिटल के EVP CMO विश्वजीत पराशर का। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी अरसे के बाद आप दोनों से मुलाकात हो रही है तो अच्छा भी लग रहा है एक बार फिर से रूबरू होते हुए। बहरहाल आज हम इंश्योरेंस की तमाम बारीकियों पर बात करेंगे और क्योंकि अभी अभी हम लॉन्च हुए हैं, चैनल का शुरुआती शो ही है, हमने इंश्योरेंस के पहलुओं पर काफी कम यहां पर चर्चा की है मनी मंत्रा में, लेकिन अब क्योंकि आप हमारे साथ आ चुके हैं पैनल पर, लगातार इस तरह की पेशकश हम करते रहेंगे। तो नवल, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चर्चा आज करेंगे जो कि एक्सक्लूजन्स पर होगी, और एक्सक्लूजन्स की जहाँ तक बात है ये मैं समझाना चाहती हूँ दर्शकों को एक किस्से के जरिए। हाल ही में एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक डेथ क्लेम रिजेक्ट कर दिया था और क्लेम पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का था। पॉलिसी होल्डर की बाइक एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी और पॉलिसी होल्डर बाइक को 150 सीसी के ऊपर की स्पीड पर चला रहे थे। इस स्पीड पर बाइक चलाना पॉलिसी के एक्सक्लूजन में था, यानी साफ तौर से इस स्पीड पर एक्सीडेंट हो जाने पर इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देती है। ये बात पॉलिसी में लिखी थी लेकिन पढ़ी नहीं गई थी। आमतौर पर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त हम इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और इन्हीं वजहों से आपकी पॉलिसी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आज सबसे पहला मुद्दा हम लेंगे एक्सक्लूजन्स का। नवल, समझना चाहती हूँ मैं आपसे एक्सक्लूजन शब्द का मतलब क्या होता है अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, लाइफ हेल्थ किस पर किस तरह से लागू होता है समझाएं, एक एक करके इसके तमाम पहलुओं पर जाएंगे। लेकिन पहले मुझे बताएं कि एक्सक्लूजन शब्द का मतलब इंश्योरेंस के लिहाज से क्या होता है। जी थैंक यू कविता। सो एक्सक्लूजन्स जैसे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, वैसे कि कोई भी चीज जो आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है उसको हम एक्सक्लूजन्स कहते हैं इंश्योरेंस की लैंग्वेज में। तो उसमें बेसिकली तरह तरह के एक्सक्लूजन्स होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स होते हैं जो कि हर पॉलिसी का पार्ट होता है, बेसिकली कॉमन एक्सक्लूजन्स, और कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स होते हैं जो एक कस्टमर के लिए स्पेसिफिक है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो हो सकता है उसमें मैटरनिटी कवर एक्सक्लूडेड है, मतलब वो मैटरनिटी कवर उसमें उस प्लान का हिस्सा ही नहीं है। और दूसरे तरह का जो एक्सक्लूजन है, जो स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है, वो ये हो सकता है कि अगर आपको कोई फॉर एग्जाम्पल प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, मान लीजिए किसी को कोई अभी कोई डिजीज़ है, तो वो डिजीज़ अगर वो डिक्लेयर करता है पॉलिसी लेने के वक्त पे, तो वो डिजीज़ उसके लिए स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड रहती है उस पॉलिसी में। तो इस तरह के जो नेम्ड एक्सक्लूजन्स होते हैं वो कुछ कॉमन होते हैं और कुछ स्पेसिफिक होते हैं अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस में कुछ चीज़ें जो जनरल एक्सक्लूजन्स होते हैं वो ये होते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पॉलिसी ली, उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसने सुइसाइड कर लिया, तो ये जनरल एक एक्सक्लूजन है कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम इस तरह के डेथ्स को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोग हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। या दूसरे तरह के एक्सक्लूजन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रग ओवरडोज से मरता है, या
हाई स्पीडिंग से मरता है, मतलब बेसिकली वो अपने डेथ को लेके या अपनी लाइफ को लेके रेकलेस बिहेवियर दिखाता है। तो उस तरह के एक्सक्लूजन्स भी कुछ पॉलिसीज में स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स के तौर पे होते हैं। और इसके अलावा जो जो मैंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी प्रकार का आपका बेसिकली मेडिकल कंडीशंस एक्सक्लूड हो सकता है, या कोई भी टाइप का यू नो लिमिटेशंस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह की बीमारी है, फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट, कैटरेक्ट को हम 50,000 से ज़्यादा का सम अश्योर नहीं देंगे। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की भी है तो भी हम सिर्फ 50,000 का लिमिट रखेंगे। तो इस तरह के लिमिटेशंस भी होते हैं जो कि आप कह सकते हो कि एक्सक्लूजन्स टाइप की चीज़ है, बट डेफिनेटली पूरी तरह से एक्सक्लूजन नहीं है, वो लिमिटेशंस है। तो ज़्यादातर कंक्लूजन को ये ध्यान समझना बहुत रखना। ज़रूरी है कि कुछ तो यहाँ पर कैपिंग के लिहाज से होती हैं चीज़ें पॉलिसी के अंदर, कुछ एक्सक्लूजन के लिहाज से होती हैं। लाइफ, हेल्थ, मोटर और होम इंश्योरेंस, इन चारों पहलुओं पर हम एक्सक्लूजन्स को समझेंगे। आपने एक मोटा खाका हमें दे दिया कि एक्सक्लूजन्स का मतलब क्या होता है। नवल विश्वजीत जी, इसको हम विस्तार से लेकर जाते हैं और अब लाइफ इंश्योरेंस में किस तरह के एक्सक्लूजन्स होते हैं, आप इस पर बताएं हमें। आप शायद म्यूट पर हैं सर। नहीं, म्यूट पर तो नहीं है। जी, आपकी आवाज़ आ रही है अभी। जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कविता, पहली बात तो आपके साथ शो बहुत समय बाद करने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जी और सेम, आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉलिसी जो भी है, चाहे मेडिक्लेम है चाहे लाइफ इंश्योरेंस है, वो बहुत वजह से रिजेक्ट होती है। एक्सक्लूजन उसमें से एक कारण है, बट सबसे बड़ा कारण जो मैंने देखे है लोगों की जो पॉलिसी रिजेक्ट होती है, जो क्लेम्स नहीं मिल पाते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस में अगर देखें तो लोग कई बार अपनी चीजों को ऑनेस्टली नहीं बताते। तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आप ऑनेस्ट रहिए। जब भी आप कुछ चीज इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कंपनी के साथ, तो बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए कि आपको क्या बीमारी है, आपका क्या वेट है, या आपकी क्या राइट एज है। तो उसमें कुछ भी छुपाइए नहीं। तो प्लीज बी ट्रांसपेरेंट, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरा हमने देखा, कोई भी इंफॉर्मेशन कंसील नहीं करनी आपने। दूसरा हमने देखा है कि कई बार लोग जब पॉलिसी लेते हैं तो थोड़े लेजी एटीट्यूड दिखाते हैं, तो एजेंट को फॉर्म फिल करने देते हैं। ऐसा बहुत अक्सर होता है कि एजेंट फॉर्म फिल कर देता है, वो कुछ भी भर देता है और आप सोचते हैं चलो हो गया। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एक एक चीज डिटेलिंग आप पॉलिसी पढ़ें। आप पॉलिसी क्यों ले रहे हैं? पीस ऑफ माइंड के लिए ले रहे हैं। तो अगर आपने पूरी डिटेलिंग, थोड़े से प्रीमियम के लिए आपने झूठ बोला है, आपको कोई बीमारी और आपने बताया नहीं, तो वो आगे चल के नुकसान हो सकता है जब आप क्लेम लेने से। दूसरा, कई बार लोग मैंने देखा है कि प्रीमियम भरते समय थोड़ी ढील बरतते हैं या रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। मतलब जो समय पे प्रीमियम भरना चाहिए वो एक जिम्मेदारी है, कई बार लोग उसको भूल जाते हैं। 3 साल भरा, फिर आगे 2 साल नहीं भरा और उसके बीच में डेथ हो गई, तो सारा पॉलिसी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर प्रीमियम पे करते रहे रिस्पॉन्सिबली, ये भी बहुत जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस में। तीसरा मैंने देखा है जो एक्सक्लूजन वगैरह उनकी बात आप कर रहे थे लाइफ में, उसमें कॉज ऑफ डेथ जैसा अभी बताया पॉलिसी बाजार वाले दोस्त ने, कि कई बार जो उसमें एक्सक्लूजन्स लिखी होती है वो पढ़नी बहुत जरूरी है। नेचुरल कैलामिटी है या टेररिस्ट अटैक है या कोई और वजह है, सुसाइड है, ओवरडोज है, तो ये सब डिटेलिंग आपको पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही आपको पॉलिसी पे साइन करना चाहिए। ऐसे ही मेडिक्लेम में भी मैंने देखा है, इसमें भी बहुत सारी कमियां रहती हैं। कई बार आप क्लेम कुछ कुछ हो जाता है तो उसका क्लेम फाइल ही बहुत लेट करते, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट कर देती है। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप प्री ऑथराइजेशन ले लीजिए कि मेरी ये बीमारी है और मुझे इस चीज के लिए इलाज कराना है या सर्जरी करानी है या हॉस्पिटलाइजेशन कराना है। अगर आपने प्री ऑथराइजेशन ले लिया तो चांसेस है कि आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, आपको पहले से ही पता लग जाएगा क्या होने वाला। और इसके अलावा कई बार लोग सोचते हैं कि मेडिक्लेम ले रखा है तो मुझे इसका फायदा लेना चाहिए। इंश्योरेंस फायदे के लिए नहीं है, या आपकी मजबूरी के लिए, आपके बैड टाइम को बचाने के लिए। तो अगर आपको कभी कभी लोगों को लगता है कि मुझे बीमारी तो नहीं है, चलो मेडिक्लेम ले रखा है, ये ऑपरेशन ही कराना, तो कई बार इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो नेसेसिटी नहीं था, वो सर्जरी की जरूरत ही नहीं थी। तो आजकल इंश्योरेंस कंपनी के पास भी डॉक्टर्स होते हैं, वो भी चेक करते रहते हैं कि आपने ये इलाज क्यों करवाया, क्या उसकी जरूरत थी या नहीं थी। तो ये सभी वजहें हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा 3 चीजें, बी ऑनेस्ट, बी रिस्पॉन्सिबल एंड डोंट बी लेजी। अपनी पॉलिसी का आप खुद पढ़ें, सारे एक्सक्लूजन्स को अच्छे से मद्देनजर रख के पढ़ें और उसके बाद ही सही।
जहाँ तक एक्सक्लूजन्स की बात है, जो क्लेम्स एक्सक्लूजन्स की वजह से रिजेक्ट होते हैं ना, उसमें कई सारी रिपोर्ट्स में नवल ये कहा गया है कि जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, और इसमें भी सबसे प्रमुख मोटर इंश्योरेंस, इसका रिजेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। वो किस तरह के सिनारियोज होते हैं जिनके तहत हम देखते हैं कि एक्सक्लूजन्स की वजह से मोटर इंश्योरेंस का क्लेम आपको नहीं मिल पाता? मोटर इंश्योरेंस का एक्सक्लूजन जनरली, तो देखिए अगर कोई गाड़ी वेयर एंड टेयर हो रहा है या आपके टायर घिस रहे हैं तो वो सब इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। बट अगर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट होती है या थेफ्ट होती है तो वो ज़्यादातर कवर्ड होती है, बट उसमें भी कुछ तरह के एक्सक्लूजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बम्पर्स या प्लास्टिक पार्ट्स में 50% का कवरेज मिलता है, या कोई पार्ट्स है जिसपे आपको पूरा का पूरा पैसा अपनी जेब से देना होता है। तो तरह तरह की पॉलिसीज होती है। जो स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है उसमें ये इस तरह के एक्सक्लूजन होते हैं। और इसके अलावा डेफिनेटली आपको एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइव करना है कार, जो बेसिकली लॉ ऑफ द लैंड जो फॉलो नहीं करते हैं, उस सिनारियों में इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम्स को रिजेक्ट कर सकती है। बट इसके अलावा मैक्सिमम आजकल पॉलिसी की वेरिएशंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी होती है, उसमें आपको पूरा का पूरा कवरेज मिलता है, भले ही वो बम्पर प्लास्टिक का हो या किसी और चीज़ का हो, टायर हो, वो सब पूरा का पूरा कवर करते हैं, लेकिन वेयर एंड टेयर नहीं कवर करते। वो बेसिकली एक्सीडेंट से हुआ डैमेज को कवर करते हैं, और इंश्योरेंस सिर्फ उसी के लिए होता है। इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस के लिए नहीं है। वो बेसिकली कोई अचानक से कोई खर्चा आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट या थेफ्ट, उस तरह के घटनाओं को कवर करने के लिए होता है। तो लोग ज़्यादातर ये समझ बैठते हैं कि उनकी गाड़ी का अगर कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल पार्ट कोई चलते चलते बंद हो गया, तो उनको लगता है कि ये भी इंश्योरेंस से कवर होता है। बट डेफिनेटली वो सब चीज़ें इंश्योरेंस से कवर करने के लिए नहीं होती है। अच्छा, होम इंश्योरेंस जिसको लेकर वैसे भी जागरूकता थोड़ी सी कम ही है, लेकिन होम इंश्योरेंस के कवरेज के लिहाज से विश्वजीत जी ये बताएं, एक्सक्लूजन्स में क्या क्या शामिल होता है? किस तरह से अगर आप डैमेज का प्रूफ नहीं देते हैं या डेली वेयर एंड टेयर की वजह से भी कई बार हमने देखा है कि रिजेक्ट हो जाता है आपका क्लेम, होम इंश्योरेंस में क्या क्या बारीकियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो? ये बिल्कुल, होम इंश्योरेंस पहले तो हमारे देश में बहुत कम लोग करा रहे हैं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी ही नहीं है इसको लेकर। जी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। पर जब लोग होम इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें दो टाइप की चीजें देखनी चाहिए कि आपने जो भी आपके घर में इंपॉर्टेंट जो आइटम्स हैं, ज्वेलरी है या कुछ भी और चीजें हैं, उनको आप अच्छे से डिक्लेयर करें, ओपनली डिक्लेयर करें और उसको अनाउंस कर दें कि ये चीजें आपके पास पड़ी हुई है विद विद बिल्स एंड प्रूफ्स। तो अगर ऐसा करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्फिडेंस रहता है कि ये सब चीजें सच है। लेकिन कई बार इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज 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 कट हो जाता है और उसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है, तो केयरलेसनेस से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको इंश्योरेंस कंपनी कभी कभार उस क्लेम्स को रिजेक्ट कर देती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गलती से हुए एक्सीडेंट्स के लिए नहीं है। अगर बाकी में कोई चोरी होती है, थेफ्ट होता है और आपने मतलब लॉक भी नहीं लगाया हुआ था और पुलिस को रिपोर्ट नहीं कराई, तो ये सब चीजें आपको पूरे एज पर द लॉ फॉलो करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको होम इंश्योरेंस का क्लेम। चलिए अब विस्तार से थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर नवल, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक्सक्लूजन्स जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम एक्सक्लूजन्स में शामिल करना चाहेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को भी, जो कि पूरी तरह से एक्सक्लूजन्स में नहीं आती है लेकिन इसको लेकर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की बात करते हैं जो कि कुछ समय के बाद कवर की जाती हैं, 2 से 4 साल तक की इनकी रोक होती है कवरेज को लेकर। मुझे बताएं इनको एक्सक्लूजन में हम नहीं मानेंगे, लेकिन कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस डिफाइन किया गया है और एक स्टैंडर्डाइज तरह से फॉलो किया जाता है तमाम इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए? जी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को लेके कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि आपको मतलब बेसिकली कोई भी डिजीज जो एक उस इंसान को है जो इंश्योरेंस ले रहा है, तो वो सारी बीमारियां उसमें वो डिक्लेयर करता है लेते वक्त कि मेरा फॉर एग्जांपल अगर हार्ट सर्जरी हुई है 2 साल पहले, या कोई भी पर्टिकुलर बीमारी, अल्जाइमर है या कोई भी डिजीज है, तो वो बेसिकली डिजीजेस को डिक्लेयर करता है लेते वक्त। वो उसकी पॉलिसी में वो एंट्री कर देते हैं कि ये आपने डिक्लेयर किया है कि आपको ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, मतलब आपने जब पॉलिसी स्टार्ट की है उससे पहले से ही ये डिजीजेस है। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो
कवर करें और बोले कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज आपकी 4 साल बाद कवर होगी या 3 साल बाद कवर होगी, या आपका प्रपोजल वो डिक्लाइन कर दे। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो ये बोले कि ठीक है हम ये कवर करेंगे 3 साल बाद, बट आपको इसके लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे, एक स्टैंडर्ड रेट्स आपके लिए अप्लाई नहीं होंगे। तो ये तीन ऑप्शंस इंश्योरेंस कंपनी के पास होते हैं, बेसिकली एक कस्टमर को लेना है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर या नहीं लेना है उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। बट इसमें कोई ऐसी डिफाइंड बीमारियाँ नहीं है, कोई भी बीमारी जो आपको है या हो सकती है, बेसिकली जो पॉलिसी लेते वक्त एंट्री करते वक्त आपको है, एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि ये रिन्यूअल के वक्त ये लागू नहीं होता है। आप एक बार एंटर कर गए तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आपको हर साल उसको रिन्यूअल करवाए। ये नहीं कर सकते कि आपने रिन्यूअल के टाइम पे भी ये बोले कि वो कि आपको ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो अब हम आपको कवर नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे कुल मिला के वो तमाम पैमाने हमने आपको बता दिए, पहलू बता दिए जिनके तर्ज पर आपका जो इंश्योरेंस है, भले ही लाइफ हो, हेल्थ हो, मोटर हो या होम इंश्योरेंस है, वो रिजेक्ट हो सकता है। आपको ध्यान में रखना होगा कि इंश्योरेंस कंपनियाँ बहुत बड़ी बड़ी क्लेम करती हैं, लेकिन उन क्लेम्स पर आपको विश्वास नहीं करना है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जब आपको मिलते हैं ना, तो आपको इत्मीनान से उन्हें पढ़ना होता है। अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो किसी लॉयर के पास चले जाइए जिसको आपको लगता है कि ये आपकी सहायता कर सकते हैं। उनके ज़रिए पॉलिसी को समझ के बाद ही आप पॉलिसी को खरीदें। तमाम डॉक्यूमेंट्स पॉलिसी को लेकर आपको संभाल के रखने होंगे। लाइफ इंश्योरेंस में खास तौर से तमाम जानकारियां अपने बारे में, स्पेशली आपकी हेल्थ की डिटेल्स, आपको सही तरह से पूरी ईमानदारी के साथ बतानी चाहिए। अगले मुद्दे पर जाते हैं। विश्वजीत जी, आपके पास मैं आऊंगी। हेल्थ इंश्योरेंस की पोर्टिंग में हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। साफ तौर से हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लगातार एडवांसमेंट हो रही है, लगातार कंपनियां जो है नए से नए फीचर्स भी लेकर आ रही हैं, और प्रीमियम भी एक कम्पिटिटिव रेट पर रखा गया है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त अगर किसी को अपना हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करवाना है, तो इसका आसान तरीका क्या होता है? क्या केवल कुछ फीचर्स के लिए और कुछ पैसे कम दे रही है कोई कंपनी, प्रीमियम के तौर पर कम चार्ज कर रही है, क्या इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप पोर्ट करने का या स्विच करने का? आपने कहा 20 से 40 दिन, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, 20 से 40 दिन पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले, ये पहले बिल्कुल ये फैसला आप आखिरी 10 दिन में नहीं लेंगे, आपको 30 से 40 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना है दूसरी कंपनी को, वो फॉर्म फिल करना है कि मैं अपनी पॉलिसी पोर्ट कराना चाहता हूँ। फिर वो कंपनी सारी डिटेलिंग आपकी चेक करती है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करती है, और फिर वो कंफर्म करती है कि आप पॉलिसी पोर्ट करा सकते हैं। तो ये लास्ट मिनट डिसीजन नहीं है, इसलिए आपको ये डिसीजन 1 महीना पहले ही सोच के रखना पड़ेगा, अपने एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी कि मुझे पॉलिसी पोर्ट करानी है। अब क्यों आपको पोर्ट करानी है, उसके 2-3 वजह है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीमियम आपको लग रहा है कि ये कंपनी ज्यादा प्रीमियम दे रही है और फीचर्स कम है या आउटडेटेड फीचर्स है, मुझे तो और दूसरी कंपनी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दे रही है, तो वो आप उसकी वजह से आप पॉलिसी पोर्ट कराते हैं। लेकिन ये भी एक फायदा है कि जब आप पॉलिसी पोर्ट कराते हैं तो अगर आपका नो क्लेम बोनस है इस पॉलिसी पे, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान होंगे। कई बार लोगों को लगता है कि मैंने इतने साल यहाँ पे प्रीमियम दिया और नो क्लेम बोनस था या और बहुत सारे पॉइंट्स मेरे ऐड हो गए थे, तो वो एज इट इज कंटिन्यू होते हैं दूसरी पॉलिसी में, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। पोर्टेबिलिटी एक अच्छा फीचर है जो IRDAI ने सब कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए दिया है कि आप चूज करें कि आपको किस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी जरूरत है, आप अपनी नीड्स के हिसाब से चूज करें कि अब मेरी फैमिली की नीड्स ये हो गई हैं और ये कंपनी उसमें ज्यादा फीचर्स दे रही है तो मैं इसलिए इसे चेंज करना चाहता हूं। और अगर आप 8 साल तक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते आ रहे हैं तो किसी भी तरीके का क्लेम हो वो उस कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये भी एक जरूरी सेंटेंस है कि अगर आप कंटिन्यूसली लगे बने हुए हैं चाहे किसी भी कंपनी में, तो आपको वो फायदा है। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और पूछते हैं कि इस कंपनी में ये बड़े सारे फीचर्स हैं, जैसे कुछ कंपनियों ने फीचर लॉन्च किया है कि अगर आप रोज मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे और इतने पॉइंट्स आपके कम हो जाएंगे और आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, तो लोगों को लगता है ये बड़ा लेटेस्ट है, न्यू एज पॉलिसी है, मुझे इसमें शिफ्ट करना चाहिए, तो इस वजह से काफी लोग शिफ्ट करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, एक अच्छा विकल्प है जो भी कस्टमर्स हैं उनके लिए, तो इसमें कर सकते हैं।
अच्छा नवल, थोड़ा सा प्रोसेस मुझे समझना है. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरी पॉलिसी, मुझे अपनी हेल्थ पॉलिसी पोर्ट करवानी है, मुझे दूसरे किसी कंपनी के पास जाना है, उन कंपनी को हम कांटेक्ट करते हैं, तो वो कंपनी किस तरह, किस बेसिस पर निर्णय लेती है कि उन्हें आपकी पॉलिसी या पोर्ट करवा लेना चाहिए आपको उनके पास? क्या वो नई कंपनी आपकी मौजूदा कंपनी को संपर्क करती है? क्या किस तरह की जानकारियाँ ली जाती हैं आपके बारे में? ये किस तरह से होता है? क्या पोर्टिंग रिजेक्ट भी होती है? जी बिल्कुल हो सकती है. बेसिकली इसका सिंपल प्रोसेस है. जब कस्टमर किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, वो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अगर आपको पोर्ट करना है तो आपके पास बेसिकली दो ऑप्शंस है. वन इज कि आप एक नई फ्रेश पॉलिसी ले लें, बट उस केस में आपके कंटिन्यूटी बेनिफिट्स आप लूज कर जाते हैं. जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड था 4 साल का, 3 साल का, वो आपका फिर से शुरू होगा, जो कि कोई नहीं चाहेगा, राइट? अगर वो ऑलरेडी पॉलिसी उसकी चल रही है तो वो पोर्ट का ऑप्शन लेता है. पोर्ट के ऑप्शन में बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी ये पूछती है कि आपका क्लेम हिस्ट्री कैसा रहा है और आपकी प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी मांगती है, उस बेसिस पे वो. कि आपको पोर्ट अलाउ करना है या नहीं करना है. और राइट, चलिए यहाँ पे थोड़ी तकनीकी दिक्कत होगी जिसकी वजह से हम आपको सुन नहीं पाए, लेकिन आपने सही कहा कि यहाँ पे रिजेक्शन भी होती है पोर्टिंग को लेकर. विश्वजीत जी, जब पॉलिसी पोर्ट करते हैं तो एक तरह से आप नई पॉलिसी में ही जा रहे हैं, तो आप नए सिरे से क्या हेल्थ इंश्योरेंस को जैसे ख़रीदते हैं तमाम बातों को ध्यान में रखते हैं, हॉस्पिटल कैसे हैं, कैशलेस है या नहीं, ये सब बातों को फिर से आपको ध्यान में रखना होगा ख़रीदने से पहले या नई पॉलिसी में जाने से पहले? जी बिल्कुल. सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, जैसे अभी बता रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स हैं आपकी जो प्रीवियस पॉलिसी में थे वो कंटिन्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट. क्योंकि आप फ्रेश पॉलिसी में जाएंगे तो आपने जितने साल प्रीमियम दिया, जो बेनिफिट्स आपको मिले थे वो जीरो ना हो, तो आपने पोर्ट करना है ताकि न्यू पॉलिसी लेनी है. और इसके अलावा जो भी मेडिक्लेम के बेनिफिट्स होते हैं, जो आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारे इस पॉलिसी जो फ्रेश इंश्योरेंस कंपनी है, इनके वाइड एरे ऑफ हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है, जिस शहर में आप रह रहे हैं कितने हॉस्पिटल्स हैं जो इनके अंडर कवर्ड होते हैं, या आपके घर के पास कोई वो हॉस्पिटल है जहाँ पे आप इलाज कराना चाहेंगे वो कवर है या नहीं, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है. उसमें कैपिंग चार्जेस कितने हैं. कई बार ऐसा देखा गया कि सिटीज में आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है और अगर आपका 1% रूम कैपिंग चार्जेस है तो 5,000 का रूम आपको मिलेगा, जो कि अच्छे हॉस्पिटल्स में नहीं मिलता. तो आपको बिल्कुल बाकायदा देखना है कि अगर मैं हॉस्पिटल में रूम चार्ज लेता हूँ या मैं आईसीयू लूंगा तो उसमें कितनी कैपिंग है. कहीं कोपे वाला क्लॉज तो नहीं है कि अगर आप मेडिक्लेम क्लेम लेंगे तो 25% आपको देना है या 20% आपको देना है, ऐसा तो नहीं है. तो ये सारी जानकारियां आपको लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पोर्ट करना चाहिए, तभी उसमें फायदा होगा. बिल्कुल. अब मुझे ये समझना है कि जो नए तरह के फीचर्स आ रहे हैं, मान लीजिए किसी को अगर पोर्ट करने का निर्णय लेना भी है नवल, तो किस तरह के नए फीचर्स की ओर आपको जाना चाहिए? थोड़ा सा अगर प्रीमियम आप ज़्यादा भी पे करना चाहें तो भी, हम देख रहे हैं बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो अभी ओपीडी कॉस्ट को या चार्जेस को भी कवर करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और भी कई तरह की आपको सेवाएँ दे रही हैं, कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में भी उन्होंने कमी कर दी है. किन किन बातों को हम ध्यान में रखें, जो नई तरह की पॉलिसीज आ रही हैं उनमें क्या एड ऑन फीचर्स हैं? जी ज़्यादातर जो फीचर्स आ रहे हैं वो वेलनेस रिलेटेड आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई फिट एंड फाइन रहता है या डेली वर्कआउट करता है तो वो उस तरह की पॉलिसीज चूज कर सकता है जिसमें फिट रहने के लिए उसको रिन्यूअल में बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रीमियम कम हो जाता है उनका. तो वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करेगा. अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को यू नो फैमिली प्लानिंग के लिए जाना है तो वो मेटर्निटी कवर चूज कर सकते हैं. बट मोस्टली जो आजकल नए फीचर्स आ रहे हैं वो या तो वेलनेस रिलेटेड आ रहे हैं, जो ये प्रमोट करते हैं कि कस्टमर्स खुद ही फिट रहें ताकि क्लेम आने के चांसेस ही कम हो जाए. और दूसरे टाइप के जो फीचर्स है वो ये है कि कवरेज में ही थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल रूम रेंट कैपिंग कम हो जाती है या रूम रेंट में कोई कैपिंग ही नहीं है, इस तरह की पॉलिसीज वो देख सकते हैं. क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं करियर में और लाइफ में तो आपकी डिमांड्स भी उस तरह से बढ़ने लगती है. मे बी आपको जब आपने शुरुआत की थी पॉलिसी की उस टाइम में आपको लगा था कि चलिए शेयर्ड रूम इनफ है मेरे लिए, बट आज हो सकता है आपको लगता है कि नहीं, शेयर्ड रूम तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हमें एक प्राइवेट रूम ही चाहिए. तो
तो आप उस हिसाब से पॉलिसी को अपग्रेड करना चाहेंगे, तो पोर्टेबिलिटी उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है जो ये चाहते हैं कि अपनी पॉलिसीज को अपग्रेड करें बट अपने कंटिन्यूटी बेनिफिट लूज ना करें। विश्वजीत जी, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी को की रिकमेंडेशन इन तमाम फीचर्स को ध्यान में रखते हुए और अप्रोक्सीमेट प्रीमियम रेंज आप रेकमेंड कर पाएंगे? जी बिल्कुल कविता जी, इसमें सबसे पहले तो मैं दो बातें बताना चाहूंगा कि एक तो अगर आप टीयर वन सिटी में रहते हैं हाँ। तो आपको कितना मेडिक्लेम लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कम 10 लाख का होना चाहिए। और आपको ये भी चूज करना है कि फैमिली फ्लोटर लेना है कि इंडिविजुअल प्लान लेना है। अगर आपकी फैमिली है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका बेस प्लान 5 लाख या 10 लाख है तो आप इसमें सुपर टॉप अप भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल मेडिक्लेम बढ़ जाता है। यानी कि अगर 10 लाख का बेस प्लान है तो आपने थोड़ा सा सुपर टॉप अप प्रीमियम देके उसको हो सकता है वो 40 लाख 50 लाख का हो जाए। तो ये कितना बड़ा पीस ऑफ माइंड हुआ कि आपका 50 लाख का मेडिक्लेम है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और आजकल हर इंश्योरेंस कंपनी के मेडिक्लेम बिल्कुल फीचर्स वाइज डिफरेंट है, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन है, जैसे सिग्ना है या अपोलो है या मैक्स है, ये सारी कंपनियां बहुत अच्छे मेडिक्लेम प्लान्स हैं। आपको कंपेयर करना है कि आपकी नीड क्या है, उसके बेसिस पे ही आप उसका चुनाव करें। चलिए, तो यहाँ पर हमने इंश्योरेंस के तमाम पहलुओं को आज डिस्कस करने की कोशिश की है, जहाँ पर तमाम बारीकियों से आपको रूबरू कराया है, भले ही वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराना हो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना हो, एक्सक्लूजन्स की बात हो या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की बात हो। इसी नोट पर हम फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार शो में शामिल करेंगे दर्शकों के सवाल। और आपको बता दें कि सवाल इंश्योरेंस पर भी होंगे और इन्वेस्टमेंट पर भी होंगे, तो अगर आप भी हमें इस वक्त देख रहे हैं लाइव सोशल मीडिया पर, सवाल पूछना चाहते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, मैं लाइव ट्रैक कर रही हूं और आपके सवालों के जवाब भी हम शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देश बदल रहा है और बदलाव की यह रफ्तार हर दिन बढ़ती ही जा रही है। बदल रही है पुरानी सोच, बदल रहे हैं पुराने तरीके। मेक इन इंडिया। इस नए इंडिया में सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ही नहीं, अब लोग डीमैट अकाउंट भी खुलवा रहे हैं, चाहे देसी हो या विदेशी, सब इंडियन मार्केट पर ही भरोसा दिखा रहे हैं। जहां नौकरी की जगह अब लोग चुन रहे हैं खुद का काम, वो इंडिया जिसे तरक्की कर रही है हर रोज सलाम। आत्मनिर्भर भारत बनो, इस तरक्की में हिस्सेदार, बदलो इस नए इंडिया के साथ, बढ़ो इस बदलते इंडिया के साथ। क्या हुआ जो कुछ नया करने से पहले मन में 100 सवाल आएंगे, उन सवालों के जवाब देने के लिए हम हैं ना, हम उस पहलू पर नजर डालेंगे। यही वक्त है, कर डालो नई शुरुआत, बदलो बढ़ो देश के साथ, ईटी नाउ स्वदेश के साथ। चैनल पार्टनर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, चैनल पार्टनर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गुड पीपल टू बैंक विद। पापा, हमारे घर की चाबियों की कुछ कॉपीज बनानी चाहिए। ओके। एक किराने की दुकान में रखेंगे, एक रेलवे स्टेशन पे, एक बाहर गार्डन में और एक डोरमैट के नीचे। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चोरों को घर लूटने का न्योता दे रही हो। अब भी तो यही कर रहे हो। मतलब ये क्या है? मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड या फिर आपका अकाउंट साफ करने का न्योता। पापा, चाबी सुरक्षित, तिजोरी सुरक्षित। तूने पढ़ा तो नहीं है ना? याद भी कर लिया, कहीं लिख ले, भूल जाएगी। पापा, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट कर। इंडिया 75 years of freedom. A nation on the cusp of transformative change. But political, geopolitical, and economic dynamics are shifting. The next 25 years will make all the difference. Are you ready to capitalize on India's future? Bringing clarity to the path ahead. Times Now Summit,
Celebrating India at 75. Shaping India at 100. The actual action begins here. Presented by Herbalife Nutrition. Powered by Darwin Platform Group of Companies. Never stop moving forward. Driven by Maruti Suzuki. ये बिल है? What nonsense? Oh God, what nonsense? क्या हुआ? सबने लिख लिया, मैं क्या लिखूं? इन्होंने टेंशन नहीं लिया, इन्होंने इंश्योरेंस लिया, फोन पे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और अब देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। और मेरे साथ बने हुए हैं नवल गोयल और विश्वजीत पराशर, जो आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आज देंगे। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुज लांबा। अनुज, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, क्या करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। गुड इवनिंग मैम, मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब करता हूं मैम। अच्छा, कहां से बोल रहे हैं? मैम यूपी से बोल रहा हूं मैम, घाटमपुर से मैम। अच्छा, बताएं अनुज, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल है मैम, LIC MF बैलेंस एडवांटेज फंड को लेके है मैम। ओके, ये क्या, ये होता क्या है और मैम इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं और मैम ये लॉन्ग टर्म्स के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? अनुज, इसके अलावा आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में? नहीं मैम। आपका ये पहला निवेश है? यस यस मैम। आपकी उम्र क्या है? मैम 35 ईयर मैम। अच्छा, और जो निवेश आप करना चाहते हैं वो किस लक्ष्य के तहत करना चाहते हैं? मैम लॉन्ग टर्म्स के लिए करना चाहता हूँ मैम। तो मैं 10 साल से ज्यादा पकड़ के चलूँ समय? यस मैम। कितने से शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट? मैम मिनिमम 5000 से मैम। अच्छा, और केवल इसी NFO में निवेश करना है या कुछ किसी और म्यूचुअल फंड में भी अगर सलाह दी जाए तो आप करेंगे? हाँ यस मैम, यस मैम, किसी और में मिलेगी तो मैं करूँगा। ठीक है अनुज, चलिए विश्वजीत जी आपके पास आएगा ये सवाल। तो सबसे पहले तो इस NFO पे हम बात करेंगे। मनी मंत्रा में कुछ दिनों पहले हमने इस NFO पर विस्तार से बात भी की थी योगेश पाटिल जी से, लेकिन चलिए अनुज को आप बारीकी से बताएं इस NFO के बारे में और इसमें अगर ये निवेश नहीं करें तो कहाँ करें। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूंगा लांबा साहब को कि उन्होंने अपनी सही एज पे निवेश करने का सोचा है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। इक्विटीज में जब भी निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में ही होती है और इक्विटी मार्केट के सही फायदे आपको लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। जहां तक कि सवाल बैलेंस एडवांटेज फंड का है, इसको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो देखा गया है इन्वेस्टमेंट्स में सक्सेसफुल, जो बहुत ही सक्सेसफुल निवेशक हुए हैं वो कहते हैं कि 90% सक्सेस आपका पोर्टफोलियो का डिपेंड करता है राइट एसेट एलोकेशन। यानी कि दुनिया में 5-6 तरीके की एसेट क्लासेस हैं जहां पे लोग निवेश करते हैं, जैसे डेट है, इक्विटी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है या और एक कमोडिटीज वगैरह है। तो हम जब देखते हैं कि अगर आपने अपने 100 रुपया सही तरीके से एलोकेट किया हुआ डिफरेंट एसेट्स में, तो चांसेस है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छे रिटर्न्स देगा और रिस्क भी कम रहेगा। बैलेंस एडवांटेज फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जिसकी आप बात कर रहे हैं LIC की, वो इसी तरीके का फंड है जहां पे फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे एसेट एलोकेशन करता है डेट और इक्विटी में। तो जब अगर फंड मैनेजर को लगता है कि इक्विटी मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है और अभी रिस्क हो सकता है, तो वो पैसा निकाल के डेट में ले आते हैं। ऐसे ही जब उनको लगता है कि भाई अभी इक्विटी मार्केट बहुत पॉजिटिव लग रही है और रिटर्न्स अच्छे आने चाहिए, तो वो डेट से निकाल के इक्विटी में ले जाते हैं। तो आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली वो आपकी एसेट एलोकेशन कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप जरूर इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, ये एक अच्छा विकल्प है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन हो रहा है। इसके अलावा जैसे कविता जी ने बताया कि आप अगर शुरुआती निवेशक हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कोई भी लार्ज कैप फंड से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि दो हजार की दो लार्ज कैप फंड्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म अगर आप पैसा रखेंगे तो चांसेस है कि आपको एक अच्छी रिटर्न्स भी मिलेगी और इक्विटी मार्केट का पूरा फायदा भी मिलेगा और रिस्क भी कम रहेगा। तो ये इन सब चीजों का ध्यान रख के आप अपना निवेश स्टार्ट करें और जितना लंबा पीरियड होगा उतने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है वर्क करना। यानी कि आप सस्ते में खरीदते हैं और आपको रिटर्न्स अच्छी मिलती हैं, क्योंकि आप हर महीने
डिसिप्लिन वे में खरीद रहे हैं और SIP कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है म्यूचुअल फंड्स में, जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड के रूट से ही आप स्टार्ट करें, लार्ज कैप फंड्स में निवेश करें और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में, यानी कि LIC बैलेंस एडवांटेज फंड जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उसमें भी जरूर निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ऑल राइट, तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की सलाह दी जा रही है। पूरे 5,000 लगा दें या इनको डिवाइड कर सकते हैं दो फंड्स में? बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से एक लार्ज कैप फंड ले सकते हैं और एक बैलेंस एडवांटेज फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े और अपना पोर्शन आप इसमें इंक्रीज करते जाएं, क्योंकि जितना आप पोर्शन इंक्रीज करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो वर्क करेगी, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स और आपका एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट क्रिएट हो जाएगा। चाहे आप किसी भी गोल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, या चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, तो लक्ष्य के साथ जोड़ें, जैसे कविता जी ने कहा है 5 से 10 साल के लिए, और हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहें कि क्या वो स्कीम आपको अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, नहीं तो आप उसको बदल सकते हैं, बट बने रहें, निकलना नहीं है। विश्वजीत जी, लार्ज कैप का कौन सा फंड रेकमेंड कर रहे हैं? जी लार्ज कैप में कविता जी, डिपेंडिंग मेरे हिसाब से आप ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड भी ले सकते हैं, एक्सिस लार्ज कैप फंड भी ले सकते हैं, तो इन दोनों फंड्स में से आप चुनाव कर सकते हैं और 2,000 रुपये या 1,000 रुपये की SIP इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, मेरा सिर का भी लार्ज कैप है, उसमें भी आप एक बार इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। बहरहाल अनुज, ऑल द बेस्ट, अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए और अनुशासन आपको रखना होगा, यानी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा अपने इन्वेस्टमेंट में। अगला सवाल नवल के लिए होगा और टर्म इंश्योरेंस पर सवाल है ये हितार्थ का। ये दरअसल विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं नवल, और पूछ रहे हैं कि ऐसे में क्या ये टर्म इंश्योरेंस अपने लिए खरीद सकते हैं, और अगर है तो किस तरह का टर्म इंश्योरेंस खरीदें? जी बिल्कुल खरीद सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस खरीदने के बाद के विदेश नहीं जा सकते या वहां पे अगर कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली ये कवर्ड होता है इंडियन इंश्योरेंस अगर इन्होंने लिया हुआ है। और कौन से की बात यह है कि अगर ये कंपेयर करें अपने एज के अनुसार और अपने स्मोकिंग हैबिट्स वगैरह वगैरह जो 4-5 चीजें पूछते हैं हम लोगों जैसी वेबसाइट में, अगर ये एंट्री करते हैं तो इनको काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आज के दिन अगर हम क्लेम रेशियो की बात करें तो टॉप में 4-5 कंपनीज जो है वो मैक्स लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, इस तरह की कंपनीज है जो ब्रांड्स है इनमें, और इनके प्रीमियम्स आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए सबसे ज्यादा सूट करता है। और आई थिंक इनको डेफिनेटली ये भी जानना होगा कि इनको कितना सम एश्योर्ड लेना है, तो जनरली हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 15 से 20 गुना अपनी इनकम का, एनुअल इनकम का ये कवरेज ले। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए कि क्लेम रेशियो इनको देखना है कि कंपनी का क्लेम रेशियो जिसका भी जब से अधिक है वो कंपनी डेफिनेटली बेटर है मार्केट में, और वो इनके क्लेम को ऑनर करने की प्रोबेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। ऑलराइट, चलिए, यहाँ पे कोई खास पॉलिसी आप इनको रेकमेंड करेंगे? जी मैंने ऑलरेडी बताया मैक्स लाइफ, HDFC लाइफ, आईप्रू, एडलवाइज, टोक्यो, इन 4-5 कंपनीज में ये प्रीमियम कंपेयर करें, और जो जिस पे भी प्रीमियम इनको सबसे अच्छा मिल रहा है उस पॉलिसी पे के साथ ये जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल होगा रौनक शाह का, हमारे साथ फोन लाइन पर भी है। रौनक, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, बस बढ़िया, बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। पूछिए अपना सवाल। मैम मैंने एक SDB का यूनिट लिया है 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच, 5वीं सीरीज थी वो मैंने लिया है, वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है मेरे डीमैट अकाउंट में। मैंने कंप्लेन की है SGB.RBI.in पे और कुछ रिप्लाई नहीं आया, और क्या करूँ आगे समझ नहीं आ रहा। कहाँ से लिया आपने ये? SBI नेट बैंकिंग से लिया है मैम। तो आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? हाँ, बैंक में गया था, वो फॉर्म वॉर्म भर के आगे प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस चल रहा है ना अभी? हाँ, मतलब अभी होगा कि नहीं होगा कुछ मालूम नहीं है।
नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ तक आप उनके पास गए हैं उन्होंने कहा है कि प्रोसेस चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मुझे कम लगता है कम से कम 7 से 15 दिन तो लगते ही हैं। बाकी समझाइश आपको विश्वजीत जी देंगे। क्या करना चाहिए इनको विश्वजीत जी? जी, इन्होंने वैसे सही तरीके से एक कंप्लेंट डाल दी है जो सही मेल आईडी पे डाली है, बट अगर ये और डिटेल में जाना चाहें तो स्टेट बैंक के नोडल ऑफिसर्स होंगे, जो भी रिसीविंग ऑफिसर्स होते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस है चाहे बैंक है, अगर आप उनकी साइट पे जाएं तो नोडल ऑफिसर्स होते हैं जो सिर्फ क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स हैंडल करने के एक्सपर्ट होते हैं। और अगर आपकी कंप्लेंट हैंडल नहीं हो रही है तो आप उनके पास जा सकते हैं, उनके फोन नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं, उनके ईमेल आईडीज भी अवेलेबल होते हैं, वहां पे अगर आप संपर्क करेंगे तो वो जरूर आपको हेल्प भी करेंगे जो भी आपका स्लो हो रहा है प्रोसेस, और अगर कोई किस तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपकी सॉल्व करने में मदद करेंगे। ऑलराइट रौनक, आप एक बार फिर से थोड़ा सा इंतज़ार करें, और जैसा कि बताया विश्वजीत जी ने, आप नोडल ऑफिसर जो नियुक्त होते हैं उन पर भी, उनके लिए भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं उनके पास जाकर, और यहाँ पर आप आरबीआई से भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको शिकायत दर्ज करनी हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए, एक बार देखिए बैंक वाले क्या जवाब देते हैं, उसके आगे अपनी कार्रवाई आप निर्धारित कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं नवल के लिए लूंगी। रवि प्रजापति का सवाल है, मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर कैसी पॉलिसी है, और पॉलिसी टर्म 10 साल का है, इनके पास ऑलरेडी ये पॉलिसी है, और मैच्योरिटी तक क्या इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं, ये इनका सवाल है नवल जी। ये एक यूलिप प्लान है। यूलिप प्लान जैसा कि आप जानते हैं ये बेसिकली मार्केट में निवेश करते हैं आपके पैसे को लगा के, तो डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग टर्म होराइजन का रिक्वायरमेंट रहता है। आपने बताया कि 10 साल की पॉलिसी है, तो डेफिनेटली आप इस पे निवेश करते रहें और 10 साल तक वेट करें, क्योंकि यूलिप पॉलिसी बेसिकली एक मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार बढ़ता है या घटता भी है। तो उस सिनेरियो में अगर आप लंबे समय तक रहेंगे मार्केट में तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आज आप अगर देखें तो मार्केट हर 10 साल या हर 7-8 साल में डबल तो हो ही जाता है मोस्ट लाइकली सिनेरियो में। तो डेफिनेटली एक यूनिट लिंक्ड प्लान एक लंबे समय के लिए बेनिफिशियल रहता है कस्टमर के लिए, और मैक्स लाइफ कंपनी का यूलिप प्लान है तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी का इन्होंने ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, जो एक मार्केट में काफ़ी रेप्यूटेबल कंपनी है जिनका क्लेम रेशियो भी 99% से ऊपर है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इस प्लान के साथ वो आगे बढ़े और आगे भी इस प्लान में और इन्वेस्ट करते रहे। विश्वजीत जी, क्या आप भी यूलिप में निवेश करने की सलाह देंगे या आपका थोड़ा सा मत अलग है और म्यूचुअल फंड का रास्ता भी अपना सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें दोनों तरीके हैं, जो जैसा कि अभी बताया कि यूलिप में जब आप निवेश करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उसमें इंश्योरेंस का एलिमेंट है जो मिनिमम 10 times होता है, जो आप जितना भी आप प्रीमियम देते हैं तो उतना आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है। तो आप इसको प्योर इन्वेस्टमेंट ना मान के चलें, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो वो 100 रुपये 120 रुपये कब होगा, जबकि उसमें से सिर्फ 80 रुपये ही अभी निवेश हुआ है, क्योंकि 10-15 रुपये आपके इंश्योरेंस में चले हैं। तो जैसा कि बताया, थोड़े लंबे समय के लिए आपको बने रहना पड़ेगा, 10 साल बाद ही आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल पाएगी, क्योंकि मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न मिल रही है। और ये ना भूलें कि आप 10 साल तक आपका इंश्योरेंस भी कंटिन्यू है। इसका जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आप टर्म प्लान लें और साथ में साइड म्यूचुअल फंड्स में SIP या निवेश करें म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप प्योर 100% मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जहां पे आपको इंश्योरेंस नहीं लेना। और अगर आपको इंश्योरेंस लेना ही है तो आप उसके लिए टर्म प्लान लीजिए। तो इन दोनों को अगर कॉम्बाइन कर दें तो ये यूलिप से बेटर ऑल्टरनेटिव बन जाता है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं। अच्छा नवल, अगर ये यूलिप प्लान लेते भी हैं तो भी इसमें किस तरह का स्कीम का सिलेक्शन होना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड? बिकॉज मेरे ख्याल से जो नई तरह की यूलिप्स आ रही हैं उनमें फ़ायदा तभी होगा अगर आप इक्विटी का सिलेक्शन करें, उस तरह का फंड का सिलेक्शन करें। क्या सलाह होगी आपकी? जी, ये जो फंड सिलेक्शन है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है अब उनके रिस्क एपेटाइट पे। अगर इक्विटी ले रहे हैं तो डेफिनेटली जिन लोगों को लगता है कि उनका रिस्क एपेटाइट हाई है, मतलब वो थोड़ा सा वेरिएबिलिटी या वोलेटिलिटी ले सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म अगर प्लानिंग है उनकी तो वो इक्विटी की तरफ ओरिएंट करें, या फिर अगर किसी को रिस्क फ्री रहना है तो डेट की तरफ ओरिएंट करें। और अगर बैलेंस्ड अप्रोच लेना है
तो डेट और इक्विटी को बैलेंस करके चले 50-50 या 40-60 जो भी उनको सूट करता है। तो ये बहुत ही इंडिविजुअल ड्रिवन क्वेश्चन है, मतलब ये हर किसी के लिए सेम आंसर नहीं होगा। इसीलिए कंपनी ने 6 टाइप के फ्लेक्सिबल ऑप्शंस रखे हुए हैं जो फंड ऑप्शंस है, ताकि कस्टमर्स अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान्स को चूज कर सकते हैं और बीच में वो चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनको अभी लगता है कि उनका रिस्क एपेटाइट हाई है, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद सिचुएशन कुछ और हो, तो उस समय में वो डेट पे मूव कर सकते हैं। या अगर मार्केट बहुत बढ़ गया और उनको लगता है कि नहीं नहीं अब और रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ग्रोथ मिल चुकी है, तो वो डेट की तरफ मूव कर सकते हैं। या वाइस वर्सा, अभी उनको लगता है कि मार्केट बहुत हाई पे है तो वो डेट पे ज्यादा फोकस करें, और जैसे जैसे मार्केट डाउन जाती है तो वो इक्विटी की तरफ बढ़ते रहे। तो इस तरह के फ्लेक्सिबल ऑप्शंस कंपनीज देती है, और ये उनके रिस्क एपेटाइट और उनका मार्केट पे क्या व्यू है, क्या उनको लगता है कि मार्केट आगे बढ़ने वाली है, उस हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए यूलिप पर तो हम पूरा शो खड़ा कर सकते हैं, इतने सारे इसके पहले हुए जिन पर बारीकी से बात की जाए। लेकिन चलिए, जैसा कि बताया हमारे पैनलिस्टों ने, अगर आप की रिस्क एपेटाइट है तो आप यूलिप के इक्विटी प्लान में निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग अलग रखना है, जो कि आपको वैसे करना चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश की रणनीति अपनाएं और अपने लिए टर्म प्लान लें, जो कि एक सही तरीका है इंश्योरेंस को खरीदने का। आगे बढ़ते हैं, और विश्वजीत जी आपके लिए सवाल है हिरेन जोशी का। इन्हें कम रिस्क वाले डेट फंड्स चाहिए, और सबसे कम रिस्क वाला ये डेट फंड मांग रहे हैं, रिटर्न का जिक्र नहीं किया है इन्होंने, तो मेरे ख्याल से अपने पैसों को बस पार्क इन करना चाहते हैं। क्या अवधि के लिए मुझे नहीं पता, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन क्या रिकमेंडेशन होगी? जी बिल्कुल, वैसे तो डेट फंड बाय नेचर सेफ होते हैं, इक्विटी से कंपेयर करें या किसी और एसेट क्लास से कंपेयर करें। इसमें भी डेट फंड्स में भी डिपेंडिंग कि आप कितने पीरियड के लिए निवेश कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको चुनाव करना होता है कि किस तरीके का डेट फंड आप चुनेंगे। तो नॉर्मली 1 दिन से लेके 3 या 4-5 साल तक के भी आपको डेट फंड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ डेट फंड्स जो सेविंग बैंक अकाउंट के कंपैरिजन में होते हैं, जैसे लिक्विड फंड्स हैं, अगर आपको कुछ छोटे पीरियड के लिए निवेश करना है तो आप लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं, थोड़ा टैक्स का एफिशिएंसी मिलेगा और आपको सेविंग बैंक अकाउंट के रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर थोड़ी ज्यादा अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो आपको आप बैंक डिपॉजिट से कंपेयर कर सकते हैं, बैंक फिक्स डिपॉजिट उस टेन्योर का, 1 साल का 2 साल का या 3 साल का, क्योंकि 3 साल का अगर आप डेट फंड लेते हैं तो आपको टैक्स के एडवांटेज भी मिल जाते हैं, इंडेक्सेशन फंड बेनिफिट मिल जाते हैं। जहां तक कि आज की करंट मार्केट सिनेरियो को अगर देखते हुए चले तो मेरे हिसाब से आप बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स भी चुन सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी छोटी अवधि के लिए है और इसमें रिस्क थोड़ा सा, इंटरेस्ट रेट रिस्क थोड़ा कम रहता है, और ये बहुत सेफ पेपर्स में निवेश करते हैं। ज्यादातर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं जो कि सेफ होती हैं, और जैसे बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड जैसा नाम है, ये बैंक्स और पीएसयूज की सिक्योरिटीज को खरीदते हैं जो ज्यादातर सेफ कंसिडर करी जाती हैं, जहां पे रिस्क रिफंड करने का रिस्क थोड़ा बहुत मिनिमल हो जाता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट का बढ़ने के चांसेस हैं, तो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में भी ये थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, या अपने पीरियड का चुनाव कर लें कि मेरा टाइम होराइजन इतना है, उसके हिसाब से उसमें से कौन सा डेट फंड आपको चुनाव करना है, उसके बेसिस पे आप चुनाव कर सकते हैं। कंपैरेटिवली डेट फंड सेफ होते हैं, जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स होते हैं वो थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि वो पूरा मार्केट साइकिल देख लेते हैं और इंटरेस्ट रेट रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, जहां पे ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है तो वो सेफ माने जाते हैं, तो आप उसमें चुनाव कर सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह मिलती हुई हिरेन को, आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल मैं लूंगी महेश का। इनका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पूछ रहे हैं कि क्या कोविड होने के बाद हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिल सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेनी जाए तो क्या किसी तरह का डिस्क्लोजर यहाँ पर देना होगा, क्या प्रीमियम ज़्यादा महंगा मिलेगा, क्या इंश्योरेंस कंपनियाँ आपको कोविड होने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स देंगी या नहीं देंगी? नवल जी, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोविड होने वालों को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देना बंद कर दिया तो उनके लिए काफ़ी बड़ा मार्केट लूज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में लोगों को कोविड हो चुका है। तो डेफिनेटली कोविड होने के बाद हर तरह की इंश्योरेंस कंपनीज प्लान ऑफर कर रही है। डिस्क्लोजर के तौर पे डेफिनेटली वो कुछ सवाल करती है कि आपको कोविड हुआ था, कब हुआ था,
बट ज्यादातर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. यूजुअली कोविड होने के बाद कुछ 15-30 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है. ये नहीं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं करती कि कोविड होते ही आपको प्लान दे दे. बट आप बेफिक्र रहे, कोविड होने के बाद 1 महीने बाद आप कोई भी कंपनी का प्लान ले सकते हैं. कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को, कोविड से रिलेटेड डेफिनेटली कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. मुझे ये बताइए कि कोविड होने के बाद जिस तरह से एक अलग तरह की हमने जागरूकता आती हुई देखी है ओवरऑल इंश्योरेंस को लेकर, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, क्या इसकी वजह से हमने देखा है कि कीमतें बढ़ी हैं टर्म इंश्योरेंस की बात की जाए या हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए? क्या इंश्योरेंस पॉलिसियाँ महंगी हुई हैं या आगे चलकर और होंगी? पिछले 1 सालों में डेफिनेटली एक इंक्रीज देखने को मिला है. हालांकि वो इंक्रीज कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, 5-10% का इंक्रीज हुआ है प्रीमियम में टर्म इंश्योरेंस के. हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम हमने नहीं देखा है कि पिछले 1 सालों में इंक्रीज हुआ है, बट टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम डेफिनेटली 5-10%, किसी कंपनी के 20% भी हुए हैं और कोई कुछ कंपनीज है जो अपने प्रीमियम स्टेबल रखे हुए हैं. बट डेफिनेटली उनके क्योंकि क्लेम्स का एक्सपीरियंस बढ़ा है, कोविड क्लेम्स काफ़ी आए हैं इंश्योरेंस कंपनी, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगले 1 साल में भी थोड़ा सा इंक्रीज होने की संभावना है. क्योंकि जो पिछले 5-7 सालों में हमने देखा था कि टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम इंडिया में गिरते ही जा रहे थे, तो वो भी एक तरह का करेक्शन है कि अब वो प्रीमियम बढ़ना ही था और कोविड की वजह से वो डेफिनेटली एक एक्सेलरेट हो गया और 1-1.5 सालों में हमें और कुछ इंक्रीज देखने को मिलेगा. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं लूंगी शिवांग का और इनका सवाल विश्वजीत जी के लिए है. इन्होंने INDMoney मनी प्लेटफॉर्म से विदेशी शेयरों में निवेश करना कितना सही है या गलत ये जानना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म के मुकाबले HDFC या कोटक का प्लेटफॉर्म कैसा है अगर वो इसी तरह की कुछ विदेशी शेयरों में खरीद की बात करते हैं तो. विश्वजीत जी. जी बिल्कुल कविता जी, सडनली अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि ये एक इंटरनेशनल इक्विटी फंड का एक फ्लेवर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है हमारे देश में और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ग्लोबल स्टॉक्स में और ये कोई अच्छे विकल्प है क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी लाइफ आजकल पूरी देखें तो गूगल है, अभी हम जूम पे हैं या नेटफ्लिक्स पे हैं, फेसबुक है या व्हाट्सएप है, तो हमारी लाइफ उनके अराउंड घूम रही है और ये स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं US मार्केट्स में. तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो इन कंपनियों की बढ़ोतरी के साथ वो भी गेन करें, लेकिन हमारी ये सलाह रहेगी कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा समय है और आप इंटरनेशनल स्टॉक्स को समझते हैं तभी आप इसमें निवेश करें. अदरवाइज बेस्ट विकल्प है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं. सारे ही म्यूचुअल फंड्स, ज्यादातर काफी स्कीम्स हैं जो इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में निवेश करती हैं, ये बेसिकली वहां के इंडेक्स फंड में निवेश करती हैं या कुछ जो टेक स्टॉक्स हैं उनमें निवेश करती हैं, फंड ऑफ फंड टाइप की स्कीम्स भी हैं. तो आप म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपना सकते हैं और सेम उन्हीं कंपनियों में निवेश कर सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल स्टॉक वाइज जाएंगे तो आपको पूरी उस मार्केट की समझ होनी चाहिए और थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रहती है, थोड़ा रिस्क भी रहता है. तो ये आपको चुनाव करना है कि अगर आप बहुत नॉलेजेबल है और अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट्स को, इंटरनेशनल मार्केट्स को, तभी आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाएं. ये प्लेटफॉर्म तो एक माध्यम है, बट अगर आप लगता है कि आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो फंड मैनेजर के डिसीजन पे जाएं और म्यूचुअल फंड का रास्ता चुनें क्योंकि वो भी सेम उन्हीं स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं, बल्कि आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है क्योंकि वो एक स्टॉक में नहीं ले रहे, 25-30 स्टॉक्स में निवेश करते हैं जैसे कि इंडेक्स में निवेश करते हैं. तो वो विकल्प ज्यादा अच्छा है और हमने देखा है कि कुछ समय में काफी निवेशकों ने इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में निवेश किया है. वो एक तरीके से इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसका इंडियन स्टॉक मार्केट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, तो आपका रिस्क थोड़ा और कम हो जाता है. तो अगर आपका कोई आपस में लेना देना नहीं है तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपके पास एक रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए भी इसमें निवेश करना बनता है. बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 5-10 रुपए तक आप इसमें निवेश करें, इससे ज्यादा ना करें क्योंकि ये एक थीमेटिक है, एक थीम है और थीम थोड़ी सी रिस्की भी हो सकती है और ये समय समय पर बदलती रहती है, तो इस हिसाब से ही आप उसमें निवेश करें.
पोर्टफोलियो अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आपको एक ओवरऑल व्यू लेना होगा, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आपको कुछ हद तक इनमें निवेश करना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर। आगे के कुछ मिनट बचे हैं और नवल, यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूँगी डिजिटल इंश्योरेंस पर, और यहाँ बात हो रही है हेल्थ इंश्योरेंस पर। कैसे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। मुझे बताएं कि कोविड के दौरान और अब क्योंकि हमने दो वेव्स देख ली हैं कोविड की, किस तरह से डिजिटल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ी है, आपके पोर्टल पे किस तरह से लोगों की इंक्वायरी बढ़ी है, कितना टर्नआउट आते हुए देखा है आपने? जी, जब लास्ट ईयर 2020 में कोरोना शुरू हुआ था अराउंड अप्रैल मई जून में, तो उस समय में इंश्योरेंस डिजिटली हेल्थ इंश्योरेंस में हमने देखा कि करीब करीब 30-40% ट्रैफिक ग्रोथ हमें देखने को मिला इमीडिएटली अप्रैल मई जून जुलाई तक ये रहा। बट उसके बाद जैसे जैसे कोरोना का फियर कम होता गया लोगों में, वैसे वैसे वो नॉर्मलसी की तरफ वापस से आ गया है। इस साल भी जब वो सेकेंड वेव आई थी, सेकेंड वेव में अगेन एक महीना हमें 20-30% का इंक्रीज देखने को मिला, बट अगेन वो वापस से नॉर्मलसी में आ गया है। तो ये इससे ये साबित होता है कि इंडियन कंज्यूमर्स इनहेरेंटली काफ़ी रिस्क को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो जैसे ही डरते हैं वो इधर उधर हाथ पैर मारते हैं और इंश्योरेंस की तरफ देखना शुरू करते हैं, बट वापस से इंश्योरेंस के प्रति उनका जो फियर है वो फियर वापस से जैसे ही नीचे होता है तो वो इंश्योरेंस को उतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, रिस्क को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं। बट डेफिनेटली कोरोना की वजह से जो 3 साल में जो होता वो हमने देखा कि 1 साल में ही हो गया, जिस तरह की अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है। तो डेफिनेटली हर किसी से हम बात करते हैं उनका ये कहना होता है कि हमें इंश्योरेंस लेना तो है, बट वो किसी न किसी कारण से उसको पोस्टपोन करते जाते हैं या वो दिन नहीं आता जिसमें वो ले लें और पैसे दे दें और प्रीमियम भर दें। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दर्शकों को कि इंश्योरेंस की डिसीजन को टाले नहीं, इमीडिएटली ले, क्योंकि ये एक रिस्क को कंट्रोल करता है या रिस्क को कवर करता है। और रिस्क कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पोस्टपोन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी हादसा बता के नहीं आता, वो कभी भी आ सकता है। तो डेफिनेटली ये अवेयरनेस है, बट ये अवेयरनेस को आप एक्शन में बदलें और डेफिनेटली जाके एक प्लान खरीदें। सेकेंड है, लेकिन विश्वजीत जी जल्दी से, ऑनलाइन अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो ये ज्यादा किफायती होता है क्या? जी बिल्कुल, वैसे तो नवल इसका बेहतर आंसर दोगे, बट मैं ये समझता हूँ कि प्रीमियम थोड़ा सा कम होता है अगर हम ऑफलाइन वेंडर्स के साथ कंपेयर करें। बट सिर्फ प्रीमियम को एक मद्देनजर मान के या पॉइंट मान के पॉलिसी ना खरीदे, आप उनके और फीचर्स पर भी ध्यान दें या सर्विसेज पर भी ध्यान दें जो आपको ऑफलाइन वेंडर्स दे सकते हैं। तो दोनों ही चीजों का आपको ध्यान देना है, और फीचर्स पे इंपॉर्टेंट और सर्विस अगर आपको चाहिए तो आपको ऑफलाइन, अगर आप सिर्फ प्राइसिंग पे जा रहे हैं तो आप डिजिटली भी ले सकते हैं। ऑल राइट, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, देखिए मोटी बात तो ये है कि आपको अपने लिए इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। एक तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए और सही हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी अपने लिए होना चाहिए, अपने परिवार के लिए भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में आकर दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और इंश्योरेंस जुड़े तमाम पहलुओं से उनको रूबरू कराने के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।